देखो लास्ट टाइम हमने सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 को स्टार्ट किया था, सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 स्टार्ट की थी। इसके अंदर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, हमने ये भी क्वेश्चन किया, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चार रेजिस्टेंसेस दिख रही हैं, यानी आपको एक बैटरी दिख रही है। जैसे सपोज ये मान लो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक दो तीन, ये चार तो ऐसे हैं और दो ऊपर, छः। ये बैटरी है, बैटरी की ईएमएफ कितनी है, 1 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 2/3 ओम है। तो अब से हमें देखना पड़ेगा कि क्या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। इसमें है तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कितने लोगों को यह समझ में आता है कि ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं ये सीरीज में तो नहीं है। देखो सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस में क्या रहेगी, सेम, राइट। सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंसेस हैं तो सीरीज में करंट सेम रहता है, राइट। तो आप एक पॉइंट को समझो कि अगर कोई करंट इसमें आएगा, देखो ये जंक्शन है, आप ये कह नहीं सकते कि जो करंट यहाँ पे आएगा वो करंट यहाँ पे जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये सीरीज में तो नहीं है। हाँ, पैरेलल में मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ कि इमेजिन करो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी है। मान लो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो वी है। इस पोर्शन की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये वी है तो ये वाला पॉइंट भी कितने पोटेंशियल पे होगा, वी। और ऐसे इसकी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, वी। तो अगर ये वी है, अगर ये वी है, कुछ भी मान लो, ये वी, ये वी, ये वी, और ये जंक्शन वी नॉट पे है, अलग पोटेंशियल पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा, वी नॉट माइनस वी या वी माइनस वी नॉट। तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, वी माइनस वी नॉट। तो साफ पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टेंस में एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों किस में माने जाएंगे, इन पैरेलल। सिमिलरली यहां पर अगर मान लो पोटेंशियल वी डैश है, तो अगर ये वी डैश है तो ये भी वी डैश है, ये भी वी डैश है। तो अगर ये वी डैश है, ये वी नॉट है, ये वी डैश है, ये वी नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका भी एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और जो आंसर आएगा वो आपस में किस में, इन सीरीज में। तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बनाऊं, इसको तो मैं टच करता नहीं, वन और वन को तो मैंने टच किया नहीं। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और जो आंसर आएगा आपस में सीरीज में। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो क्या बन गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट डायग्राम सबको क्लियर है यहाँ का। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो ये मैंने पैरेलल पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाया, और फाइनली जो आंसर आएगा आपस में सीरीज में, क्लियर। अब इसमें ये दोनों पैरेलल में, वन और वन पैरेलल में तो क्या आएगा, 0.5। वन और वन पैरेलल में तो क्या आएगा, 0.5। ये कितना है, वन, ये कितना है, वन, ये देखो। तो 0.5 किस में, सीरीज में, तो कितना आएगा, वन। अब ये वन, इनको मिला के ये भी वन, ये भी वन, वन 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 किस में, इन पैरेलल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3। तो ये बैटरी लगी हुई है 1 वोल्ट की जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 2/3 ओम। तो अब इसमें करंट क्या आएगा, करंट क्या सिखाया था, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, 1/3, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, 2/3। तो 1/(1/3) + 2/3, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस सर, ठीक है। तो आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखो ये एक क्वेश्चन है, एक बैटरी जिसमें ईएमएफ कितनी है, ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो मैंने एक बैटरी ली
ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. तो कितना करंट बाहर निकलता है 0.5. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 12. तो मैंने डायग्राम बना दिया बैटरी इंटरनल एक्सटर्नल और करंट उसने कितना लेने को कहा 0.5. केस नंबर वन. अब वो कह रहे कि सेकेंड केस है करंट कितना निकलता है 0.25 जब एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 25. तो नया डायग्राम क्या बनेगा करंट कितना निकलेगा 0.25 जब एक्सटर्नल कितने है 25. क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक ये समझ में आ रहा है यहां तक. तो इसके अंदर एक्सटर्नल की वैल्यू पहले केस में 12 है दूसरे केस में एक्सटर्नल 25 है. बैटरी वही है ई विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. पहले केस में करंट क्वेश्चन में 0.5 है दूसरे केस में करंट कितने 0.25 है. कोई डाउट इसमें. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है और बैटरी की ईएमएफ निकालनी है. तो दो वेरिएबल्स है ई एंड स्मॉल आर. तो केस बहुत क्लियर है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल 12 है इंटरनल स्मॉल आर है. क्या इक्वेशन नंबर वन क्लियर है. ठीक है. अब सेकंड केस में टोटल करंट कितना है 0.25. टोटल करंट क्या होता है टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल कितनी है 25 इंटरनल कितनी है स्मॉल आर. क्या है पॉइंट क्लियर है. तो फर्स्ट इक्वेशन से ये फर्स्ट ये इक्वेशन बन गई सेकंड ये बन गई. तो इसमें कितने वेरिएबल हैं दो. क्या अननोन है कैपिटल ई एंड स्मॉल आर. तो आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके कैपिटल ई एंड स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड. तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है. तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है. दो इक्वेशंस क्लियर है. ऑनलाइन वालों को क्लियर है. यस सर. यस सर. ठीक. जैसे ये एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को रीड करें प्लीज. देखो तो इसमें क्या गिवन है कि आपको इसमें तीन रेजिस्टर्स गिवन है. एक रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम है एक 4 ओम है और एक 6 ओम है. एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय अ बैटरी. कितने वोल्ट की 2 वोल्ट की बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 2/3 ओम. राइट. तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में है. ये तीन रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड हैं पैरेलल. तो कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट है ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है क्योंकि ये पैरेलल में है. करते हैं इसमें नहीं करते. क्यों. क्योंकि सेल की क्या प्रेजेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सेल क्या कहेगा वैसे तो मैं 2 वोल्ट का हूं पर मैं तुम्हें 2 वोल्ट दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट. तो मैं 2 वोल्ट से क्या दूंगा कम दूंगा जो भी दूंगा कम दूंगा. हाँ इतने इतना तो क्लियर है कि अगर इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं. अगर सेल 2 वोल्ट का है तो ये भी 2 वोल्ट है ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है. क्या ये पॉइंट क्लियर है. डिफरेंस समझ में आ रहा है. इसीलिए आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाएगा. अगर तो नहीं है फिर तो क्वेश्चन ईजी हो गया 2-2 वोल्ट खत्म. पर अगर है तो फिर कितने वोल्ट इनको मिले. मैंने कैसे लिखा 4/3 वोल्ट ओरली तो लिखा नहीं तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा और बताता हूं कि 4/3 कैसे आया. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है इन पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल में है 3, 4 एंड 6 तो 1/3, 1/4, 1/6 तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 4/3. तो उन तीनों रेजिस्टर की जगह हम क्या कनेक्ट करेंगे यहां पर 4/3 और ये बैटरी है 2 वोल्ट की जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 2/3. तो ये बैटरी में से टोटल करंट बाहर कितना आएगा I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल कितनी है 4/3 इंटरनल कितना है 2/3. तो करंट समझ में आ रहा है E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R. तो E की वैल्यू 2 है
एक्सटर्नल 4/3, इंटरनल 2/3 ऐड किया तो करंट कितना आया 1 एम्पियर। तो बैटरी में से कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर करंट इसमें एंटर करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ओम लॉ लगाओ, V=IR, इसका करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितनी है 4/3, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें 4/3 वोल्ट। क्या है पॉइंट, क्लियर है? अब ये रेजिस्टेंस किसकी बनी हुई है, इन तीनों की, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, वी। तो हमारा वी यहाँ से कितना आया था 4/3, तो यानी कि इसके क्रॉस भी क्या होगा 4/3 4/3 एंड 4/3। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? पोटेंशियल डिफरेंस 4/3 4/3 4/3, क्लियर है? आप चेक कर सकते हो 2 वोल्ट से कम की वैल्यू आई। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे ये पूछेगा इस रेजिस्टर में करंट क्या होगा, ओम लॉ लगा लो। इस रेजिस्टर का वी पता है, आर पता है, तो V=I1 × R I1 = V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4/3/3 करंट आ गया। इसमें करंट क्या होगा 4/3/4 करंट आ गया। इसमें करंट क्या होगा 4/3/6 करंट आ गया। तो ओम लॉ लगा के आपको V और R पता है, तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या है पॉइंट, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस डायग्राम के अंदर आपको एक बी पॉइंट गिवन है, आपको एक ए पॉइंट गिवन है, और आपको ये चार रेजिस्टेंसेस गिवन है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किसमें, ए और बी में, ए और बी में। तो जब कोई पॉइंट्स ऐसे गिवन हो ना, और जैसे ए और बी या कोई भी, तो आपने एक वायर खींच लिया करो, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप एक वायर बना लेना, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लिया करो कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इसमें, इसमें और इस पॉइंट में। क्योंकि अगर वो पॉइंट यहीं रह जाता है ना, तो कई बार कन्फ्यूजन रहती है हमें, थोड़ी सी मैं वायर खींचना पसंद करता हूँ, इसलिए आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा खींच रखा है वायर, तो मुझे थोड़ा क्लियर दिखता है कि ये ए पॉइंट यहाँ पर है या यहाँ पर है, एक ही बात है, वो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसमें। तो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। मान लेते हैं ये जंक्शन कितने पोटेंशियल पे है, वी नॉट, इमेजिन कुछ भी वी नॉट। अगर ये वी पोटेंशियल पे है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस पोर्शन की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये वी है, तो ये भी कहाँ पर होगा, वी पे होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होती किसी वायर की, तो दो टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं वी एंड वी। इस वायर की भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये वी है, तो ये भी वी है। तो आप खुद देखें, अगर ये वी है तो ये भी वी है, ये वी है तो ये भी वी है। तो एक बात बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितने हैं, V-V0, इसके अक्रॉस कितने हैं V-V0, इसके अक्रॉस कितने हैं V-V0। तो ये तीनों के तीनों आपस में किस में कनेक्टेड होंगे, इन पैरेलल। तो साफ पता लग रहा है कि ये और ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम बना दिया, 6R 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 पैरेलल में, ये मेरा ए पॉइंट है साइड पे, ये पैरेलल में, ये मेरा बी पॉइंट एज इट इज, और जो इनका आंसर आएगा वो आर के साथ किस में होगा, इन सीरीज। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पैरेलल में अलग से बनाया और आर को मैंने टच नहीं किया। तो अब मुझे पता है कि 6R 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 किस में, इन पैरेलल। तो अगर ये आपस में पैरेलल में है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या आएगी, 2R 2R, और ये आर किस में होंगे, इन सीरीज। तो सीरीज में 2R + R आंसर क्या देगा, 3R। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 3R। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस से इजी रहते हैं वैसे। कैपेसिटेंस में फिर भी थोड़ा सा प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस में सिर्फ करंट देखना होता है, इसमें चार्जेस का चक्कर नहीं रहता। तो आज हम देखेंगे वही क्वेश्चन जो हमने कैपेसिटर्स में किए थे, वही क्वेश्चन आप रेजिस्टेंस में जब आएंगे, तो आप थोड़ा जल्दी और इजी कर पाएंगे। ठीक, जैसे ये अपना आपका क्वेश्चन देखा हुआ लगता है, अगर मैं 3 कैपेसिटर यहाँ लगाऊं, तो वो किस में कनेक्ट हुआ करते थे, इन पैरेलल। याद है हमने टॉपिक किया था कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने कैपेसिटर में इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए कितना ही लंबा मेथड यूज़ किया, पहले मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया, फिर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना सिखाया, और फिर मैंने 2 कैपेसिटर उड़ा के स्पेशल केस करवाया था, याद करो लंबा काम था। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं भी आता,
और आप कैपेसिटर्स नहीं पढ़ के आए तो विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन पैरल में ऐसे हो सकता है। ये देखो कैसे चाहिए ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लो ये वी पोटेंशियल पे है तो ये वी है तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी है, अगर ये वी नॉट पे है तो ये भी वी नॉट पे है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितने हैं, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है इन पैरेलल, आंसर आ गया। चाहिए ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ वो अलग बात है कि अगर आपको याद है आपका रिजल्ट कि ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है तो आप सेम तरीके से रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही हो गया होगा कि ऐसा कॉम्बिनेशन किस में होता है इन पैरेलल, तो लगा लेना पैरेलल में आंसर। तो पैरेलल में आंसर मैंने गलत ही लगा दिया, ये गलत लगा दिया मैंने, सीज का फॉर्मूला लगा दिया ना इसमें, तो इसका आंसर ऐसे होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r, 1/2r एंड 1/r। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक नेक्स्ट, ओके तो ये शीट खत्म, नेक्स्ट शीट नंबर सब्जेक्टिव नंबर 12 सेल्स की शीट है। अभी हमने सेल्स, सेल्स मतलब सेल्स के कॉम्बिनेशन, जब दो बैटरीज हैं तीन बैटरीज हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं हमने नहीं किया, हमने एक बैटरी के साथ काम किया अभी तक, दो बैटरीज अगर लगी हों तीन बैटरीज लगी हों तो कैसे कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर का काम है, आज हमने इसके ऊपर नहीं जाना, आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पे ही काम करेंगे, जितना हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी की बस आज उसका न्यूमेरिकल पोर्शन ही होना है। ठीक, सो नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की शीट नंबर 42, पर ये हमने कर ली थी, ये तो हमने कर लिया था राइट, ओके देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हमने कैपेसिटर्स में भी किया था, किरचॉफ लॉ रेजिस्टेंसेस के अंदर भी करते हैं। कैपेसिटर का किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आता, बट रेजिस्टेंस का किरचॉफ लॉ एनसीईआरटी का पोर्शन है और ये इजी इजी भी है लगाना। ठीक है, तो लॉ का नाम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ के अंदर दो लॉज हैं, पहला लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जिसका नाम जंक्शन लॉ क्योंकि हमेशा जंक्शन पे लगता है, दूसरा लॉ लूप लॉ या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ क्योंकि ये क्लोज लूप में लगता है जैसे कैपेसिटर्स में लगता था। क्या है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एन नंबर ऑफ वायर्स हैं, जैसे ये वायर्स हैं और एक जंक्शन है, सारी वायर जंक्शन के साथ कनेक्ट हो रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है मेरे को मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ जंक्शन देखना है, तो कुछ वायर्स में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, कुछ वायर में करंट जंक्शन के दूर जा रहा है, जैसे इस जंक्शन के पास I1 I2 करंट आ रहा है और इस जंक्शन से दूर I3 और I4 करंट जा रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर जंक्शन में बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड हैं, कुछ में करंट आ रहा है कुछ में करंट जा रहा है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट टूअर्ड जंक्शन, जंक्शन की तरफ जो सारे इनकमिंग करंट हैं और जंक्शन के दूर जो करंट जा रहे हैं आउटगोइंग करंट हैं, उनका सम हमेशा इक्वल रहेगा। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन आ रहा है? I1 एंड I2। जंक्शन से दूर कौन जा रहा है? I3 एंड I4। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन के ऊपर टोटल जो करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ और जो करंट जा रहा है जंक्शन की तरफ से दूर, उनका सम हमेशा क्या है, क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। इजी टू अप्लाई है, जबकि कैपेसिटर के अंदर तो ढूंढना पड़ता था आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कुछ नहीं है, जंक्शन ढूंढो और जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उनका सम बराबर। क्लियर है यहाँ तक? किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको लूप लॉ बोलते हैं, हमने पहले भी किया, इसमें भी सेम है कि किसी भी क्लोज लूप में
sum of all potential difference is always equal to zero. ठीक है, तो हमेशा जीरो रहेगा. तो इसको करने के लिए जैसे आप कोई भी एक डायग्राम लें, आप कहेंगे ये डायग्राम याद करना पड़ेगा. नहीं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपको अलग अलग डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होंगे. जैसे मेरे इस डायग्राम में मान लो ये एक बैटरी है E1 EMF की, एक और बैटरी है E2 EMF की, दोनों को ऑन किया और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है. बैटरी नंबर वन में से कितना करंट बाहर निकला? आए आए करंट जब बाहर निकला तो सामने दो रास्ते थे, जंक्शन आ गया, दो रास्ते हैं. तो आए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ फर्स्ट वायर में जाएगा और कुछ सेकंड वायर में जाएगा. बराबर होगा? नहीं, जरूरी नहीं बराबर होगा. तो मैंने ये मान लिया कि इसमें कितना करंट आया? आई डैश. तो इसमें कितना करंट आया? आई माइनस आई डैश. देखो हिसाब तो बराबर ही है कि आई करंट आ रहा है, आई करंट में से आई डैश इधर चला गया, तो फिर बचा कितना? आई माइनस आई डैश इधर चला गया. आप कहोगे कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं करता. मैंने पूछा कैसे करते हो, तो आपने कहा मैं ऐसे करता हूँ, ये आई करंट आया, इसमें से आई वन इधर चला गया और आई टू इधर चला गया. हाँ तो ऐसे कर लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपके मन में आए आप करो. जंक्शन लॉ खराब नहीं कर सकते. जंक्शन लॉ क्या कहता है? क्योंकि ये जंक्शन है, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट कितना है? आए, और आउटगोइंग, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके भी आंसर क्या आ रहा है? आए. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो मैंने क्या माना? आई करंट आया, और मेरे को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये अगर ये बराबर रेशियो होती तो बराबर करंट जाता. कैसे बराबर जाता? यहाँ एक बैटरी पड़ी हुई है, वो भी तो करंट रिलीज करेगी, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा. तो आप ये मत सोचें कि किसी तरीके से बराबर हो जाएगा. हो भी सकता है बराबर हो, पर हम यहाँ पर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है वो हम सीख नहीं रहे. उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको. जैसे ये तो मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने कैसे करंट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. तो आप कहोगे मैं भी करके देखूंगा किसी डायग्राम में, तो उसके लिए पूरा एक लेक्चर बना हुआ है जिसमें किरचॉफ लॉ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाई जाएगी. तो एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन करने के बाद आप 11वें क्वेश्चन में लगा के देखोगे, तब शायद लगा पाओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है. राइट? तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक क्वेश्चन किया, आप कहोगे मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया. हाँ, आप कर भी सकते हो, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. वो रूल्स क्या हैं उसको ध्यान से देखो. तो मैंने क्या कहा? आई करंट आया, मान लो आई डैश नीचे गया तो बचा हुआ इधर चला गया. अब ये करंट आई माइनस आई डैश इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है. बैटरी जब ऑन होती है किसी भी क्लोज सर्किट में, उसका एक रूल होता है जो कभी भूलना नहीं है. अगर आपने ये वॉयलेट कर दिया, आपका सर्किट में सारी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएंगी. बैटरी का सिंपल रूल है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से आई करंट निकला, पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, घूम के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में भी आई ही एंटर करेगा. तो अगर पॉजिटिव से आई करंट गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट गया, तो नेगेटिव में भी आई ही एंटर करेगा. जैसे यहां पर नेगेटिव में क्या एंटर कर रहा है? आई माइनस आई डैश. तो इसका मतलब पॉजिटिव से भी कितना निकलेगा? आई माइनस आई डैश. यही बैटरी का प्रिंसिपल है. अगर आपका या अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दी, या मान लो कुछ ऐसा हुआ कि आपने यहाँ तो आई बना दिया पर मतलब एग्जिट पॉजिटिव टर्मिनल से तो आई बना दिया पर एंटर इसमें आई वन कर दिया, समझ लेना आपका क्वेश्चन कभी भी सही है ही नहीं, वो गलत होगा ही होगा. तो क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि बहुत ही, ये तो बहुत अच्छा रूल है कि अगर इस वायर में आए है तो गारंटेड इस वायर में आए होना ही है. अगर यहाँ पर आई माइनस आई डैश है तो यहाँ पर आई माइनस आई डैश होना ही है. तो यहाँ से आई माइनस आई डैश है, यहाँ से आई डैश है. अब फिर से जंक्शन आ गया. जंक्शन का लॉ क्या कहता है? कि ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये करंट भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, दोनों करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं. अब तीसरी वायर में करंट इधर नहीं आ सकता, क्योंकि एक जंक्शन पर अगर तीन वायर्स हैं, जंक्शन की तरफ तीनों करंट कैसे आएंगे? दो आ रहे हैं, दो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो एक तो बाहर निकलेगा ही, तभी
पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, तो यानी कि ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो आएगा वो थर्ड वायर में जाएगा। जब ऐड किया तो आई डैश से आई डैश क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनल करंट क्या आया, आए, और आना भी आए चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसने बाहर कितना निकाला था, आए, तो एंटर भी क्या करेगा, आए, अगर ये आए ना आता तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन पक्का गलत थी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कहोगे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि मैंने ये आई लिया, ये आई वन लिया, ये आई टू लिया, तो यहाँ से आई टू आया, इधर से आई वन आया, तो ठीक है, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई, तो भी इट्स ओके, तो भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। या आप ये कहते हो कि आई करंट आया, इसमें आई डैश चला गया, तो इसमें कितना आ गया, आई माइनस आई डैश, वो भी सही है। आप कैसे भी कर सकते हो, जंक्शन लॉ वॉयलेट नहीं करना, पहला रूल। दूसरा रूल, बैटरी में से कितना करंट आया उतना ही करंट उसमें एंटर करेगा, मतलब अगर ये दो रूल फॉलो हो गए, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होगा। तो मान लो इस क्वेश्चन में तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, क्योंकि इसमें मैं आपको किरचॉफ का लॉ लगाना सिखाना चाहता हूँ, इंस्टेड की मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊँ। करंट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ अपने आप आ जाएगी, लेकिन लॉ लगाना आप ध्यान से सीख लो। तो मान लो ये सर्किट आपको गिवन है, लूप लॉ, आपको क्लोज लूप ढूंढनी पड़ेगी, पहली क्लोज लूप ये रही, दूसरी क्लोज लूप ये रही, एक और लूप है, चाहो तो ये पूरी की पूरी लूप भी ली जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं लगा के दिखाता हूँ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लूप में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, घूम के वापस यहीं पे आऊँगा मैं चेक करना, तो मैं इस लूप को कंसिडर करूँगा। इस लूप में जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था करंट की डायरेक्शन में, जो करंट होता है ना वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट चलता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होता है। तो जो करंट होता है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ये रूल है। तो अगर मान लो किसी भी वायर में करंट इधर जा रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। क्लियर है? तो करंट हमेशा कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब एक बात बताओ कि जब करंट यहां मूव कर रहा है और हम भी लूप में करंट की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं, हम यहां पर करंट की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो जब मैं करंट के साथ मूव कर रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं तो आई एम मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर जाने का मतलब कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो साइन हमेशा क्या लगेगा इसमें? नेगेटिव। तो अगर हम हायर से लोअर जाते हैं तो नेगेटिव, लोअर से हायर जाते हैं तो पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? तो लगाएं किरचॉफ लॉ। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मैं करंट की डायरेक्शन के साथ जाता हूं, मेरा पोटेंशियल हायर से लोअर जा रहा है, गिर रहा है पोटेंशियल, तो साइन क्या आएगा? माइनस आई इन टू आर वन। फिर मैं इस वायर में आता हूं, फिर से मैं करंट की डायरेक्शन के साथ आ रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो कितना? आई डैश इंटू आर टू, ये भी नेगेटिव। तो यहां पर अगर आप करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आप करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो माइनस आई इंटू आर वन, करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो माइनस आई डैश इंटू आर टू, करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो माइनस आई इंटू आर थ्री। क्लियर है? और फिर बीच में क्या आ गई? बैटरी। बैटरी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, नेगेटिव हमेशा लोअर पे होता है, पॉजिटिव हमेशा हायर पे होता है, आप कैसे मूव कर रहे हो? फ्रॉम लोअर टू हायर, तो लोअर से हायर, तो यानी कि प्लस इवन, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इवन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो फिर से एक बार देखो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे, पोटेंशियल गिरेगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस आई इंटू आर वन, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो माइनस आई डैश इंटू आर टू, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो माइनस आई इंटू आर थ्री, और माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो प्लस ई वन इक्वल टू क्या? जीरो। ओके, फिर से देखते हैं। अब मैं लूप नंबर टू में लगा लेता हूँ। देखो, यहाँ से स्टार्ट होके वापस आए, तो जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं
करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फिर मैं माइनस से प्लस पे आ रहा हूं, माइनस से प्लस क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज, तो क्या आएगा, प्लस ई टू। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। फिर मैं करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं, करंट नीचे आ रहा है, मैं करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं, जब मैं करंट के साथ चलता हूं तो नेगेटिव, जब मैं करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं तो फिर ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। कैसे लगाना है, एक काम करो, एक बार आप लगा के देखो, आप एक इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, आप इसमें लूप ये ले लो प्लीज, कंप्लीट लूप में किरचॉफ लॉ लगाओ, इक्वेशन बनाओ, ओके तो इसमें एक बार लगा के देखें प्लीज, आप लोगों ने लगाया होगा, फिर से देख लो एक बार, ये देखो, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं तो क्या आएगा बोलो, माइनस आई इंटू आर वन। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई डैश इंटू आर फोर। फिर मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस ई टू। फिर मैं करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं तो माइनस आई डैश इंटू आर फाइव। फिर मैं करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं तो माइनस आई इंटू आर थ्री। फिर मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस ई वन, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर कुछ याद करने वाला नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ कैसे लगेगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये ना बीच बीच में आता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत हम कैलकुलेट मतलब करते रहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करंट, और बीच में एक आध लूप हम लगाते रहेंगे, तो उस टाइम ये नहीं होता कि आप इसको याद करके आओगे, आपको बस पता लग गया, इट्स ओके। तो मैं यूज़ करूँगा आपको, क्योंकि किरचॉफ का लॉ अभी भी यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होगा, फिर एक और चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी यूज़ होगा, तो ये लॉ ठीक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आपको ये लॉ अल्टीमेटली आ ही जाएगा आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये लॉ बहुत इजीली आप लगाना सीख जाओगे, ठीक। तो लेकिन आपको ये रूल समझ में आ गए इसके, तो ये आपकी एक और शीट, इसको ख़त्म करते हैं, ये शीट नंबर कौन सी थी, 42 43। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, देखो
चलो ठीक है, करें स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम है बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने लास्ट टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक किया था। इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये शीट आपको जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं वो करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि जैसे आपके पास एक बैटरी है, एक बैटरी विद ईएमएफ ई, एंड ये बैटरी एक ओपन सर्किट में है। इस पर लिख भी सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट है कि जैसे ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस ली कैपिटल आर और ये एक स्विच ले लिया एस। मैंने स्विच को ऑन नहीं किया तो बैटरी में से कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? अगर बैटरी में से कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा तो बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ई। और अगर मैंने स्विच को दबा दिया और बैटरी में से करंट बाहर निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कितना होगा ई नहीं रहेगा, ई से थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम, कितना हो जाएगा वी, वेयर वी विल बी इक्वल टू व्हाट ई माइनस आई इनटू स्मॉल आर। ऐसा हमने लास्ट टाइम किया था, ऐसे ही था कि अगर बैटरी में से करंट बाहर निकल रहा है तो बैटरी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ई नहीं दे पाएगी, क्या देगी उससे थोड़ा सा कम देगी। क्लियर है? और अगर हम इसको ऑन ही नहीं करेंगे तो आप दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपिटल ई। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक ओपन सर्किट है। मान लो ओपन सर्किट किसे बोलते हैं, जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया करंट पूरे सर्किट में नहीं आया, और क्लोज सर्किट किसे बोलते हैं, जब आपने इस स्विच को ऑन कर दिया। तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में वो कह रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट करो किसका, इन बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस का, बैटरी के टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस का यानी कि ई का वर्सेस कैपिटल आर का, कि मैं कैपिटल आर की वैल्यू को 10 ओम 20 ओम 40 ओम 100 ओम 1 लाख ओम मैं बढ़ाता जा रहा हूं। तो बोलो इस बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल आर तो इसके साथ कनेक्टेड है ही नहीं। तो कैसे फर्क पड़ेगा उसको, तुम उसको लगा तो रही नहीं हो उसके साथ, ओपन सर्किट में छोड़ा हुआ है, तुम बैटरी में से कोई करंट बाहर निकल नहीं रहा। तो बैटरी जब के दो टर्मिनल्स हैं उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तुम कितना भी कैपिटल आर चेंज कर दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही क्या रहेगा, कैपिटल ई ही रहेगा। तो वो कहेगा ग्राफ प्लॉट करो एक बैटरी का ओपन सर्किट में, तो ई वर्सेस कैपिटल आर क्या बनेगा, ई विल रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। तुम कितना भी कैपिटल आर इंक्रीज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन सर्किट में कैपिटल आर को लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि कैपिटल आर बैटरी के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला ग्राफ सबको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, ओके अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, अब क्लोज सर्किट बना लिया, ध्यान आगे, मैंने क्या किया अब क्लोज सर्किट बना लिया। अब क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट किसे बोलते हैं, क्लोज सर्किट के अंदर ये आपकी अगर बैटरी है ई,
having internal resistance small r, it is connected by capital R. अब ये क्लोज सर्किट है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब इसमें करंट मूव करेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? करंट घूमेगा. तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट. अब वो कहता है एक बात बताओ, जब ये क्लोज सर्किट है तो बैटरी के दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस E तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा. E से क्या आएगा? कम आएगा. कितना कम आएगा? V आएगा. और V क्या होता है? E माइनस I इंटू स्मॉल r. या तो ये होगा या यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, I इंटू स्मॉल, जो मर्जी कर लो. एटलीस्ट E तो नहीं होगा, E से कम होगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब वो कहते हैं कि ग्राफ प्लॉट करो. अब E का ग्राफ तो बोल नहीं सकता, तो किसका ग्राफ बोलेगा? V का. तो वो कह रहे हैं कि V की वैल्यू कैसे चेंज होगी जब मैं कैपिटल R को इंक्रीज करूंगा. तो अगर मैं इस पूरे सर्किट में कैपिटल R को इंक्रीज करूंगा, तो मैंने कैपिटल R इंक्रीज किया, तो ये V कैसे चेंज होगा ये बताओ. तो कई कहते कि V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जब मैं कैपिटल R चेंज करूंगा, मेरा करंट भी चेंज होगा. क्योंकि करंट क्या होता है, याद करो, E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R. तो सिर्फ कैपिटल R चेंज नहीं हो रहा, I भी चेंज हो रहा है. तो मुझे किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना है? कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसमें से अगर करंट बाहर निकल रहा है, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R चेंज हो रही है, तो V की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है ये आपको बताना है. तो क्वेश्चन समझ में आ गया, V वर्सेज कैपिटल R का ग्राफ. तो एक काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने से पहले V का फॉर्मूला लिख लें. V क्या होगा? I इंटू कैपिटल R. हालांकि V का ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये यूज कर लिया, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R. मैंने क्या कहा था? करंट चेंज होता है कैपिटल R के साथ. तो बोलो करंट क्या होता है? E डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये पॉइंट सबको क्लियर है. तो मैंने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि मेरे को ग्राफ V और कैपिटल R का निकालना है. तो मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली V और कैपिटल R की. ये इक्वेशन है, इसमें कैपिटल R को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये R बाई R क्या होगा? 1. और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल R बाई कैपिटल R. तो ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब ये ग्राफ कैसे बना? पहला केस, जब कैपिटल R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जब कैपिटल R की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करेंगे, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा. जब कैपिटल R इंक्रीज होगा तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा. तो डिनोमिनेटर पूरे का पूरा क्या हो गया? डिक्रीज. डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो V की वैल्यू विल इंक्रीज. तो जब ये ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीजिंग V में बनेगा. पहला पॉइंट क्लियर है? तो पहली इक्वेशन क्या बता रही है? कि जैसे जैसे कैपिटल R बढ़ेगा, V की वैल्यू विल इंक्रीज. पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, इसमें इसके अंदर कैपिटल R जब बढ़ेगा तो V बढ़ेगा. जब कैपिटल R जीरो है, जीरो कहां पर है? यहां पे. तो जब कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? जीरो है. तो जब कैपिटल R की वैल्यू यहां पर जीरो है, तो ये फ्रैक्शन क्या आएगी? इन्फिनिटी. 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी. अब इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या बन गया? इन्फिनिटी. 1/∞ क्या होता है? जीरो. तो V की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. तो यानी कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा. जब कैपिटल R की वैल्यू जीरो है, तो V की वैल्यू क्या है? जीरो है. क्लियर है यहां तक? मैंने ये बताया, जब कैपिटल R जीरो है, R बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो V इज इक्वल टू E. इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी. 1/∞ इज जीरो. तो मुझे सेकेंड पॉइंट ये पता लगा कि ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा. तो जब V जीरो है, जब कैपिटल R जीरो है, तो V भी जीरो है. तो दो पॉइंट आ गए, V इंक्रीजिंग बनेगा, V की वैल्यू ओरिजिन से स्टार्ट होगी. नेक्स्ट पॉइंट है, जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल R के इक्वल है, तो अगर मैं इस कैपिटल R को क्या पुट करता हूँ? स्मॉल R. स्मॉल R, स्मॉल R क्या हो जाएगा? 1. 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? E बाय 2. राइट. तो यानी कि जब
स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं तो रास्ते में वी की वैल्यू क्या आएगी, ई बाई टू। तो थर्ड पॉइंट पता लगा कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, ई बाई टू। लास्ट पॉइंट है जब आर इन्फिनिटी बहुत बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर, तो जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी, ये फ्रैक्शन वन बाई इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो, तो वी की वैल्यू क्या हो गई, वी की वैल्यू वन प्लस जीरो विल गिव ई। तो जब कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी, तो इसका मतलब वी किसको अप्रोच करेगा, ई को, हालांकि वो इक्वल हो नहीं पाएगा पर बहुत देर बाद इनफाइनाइट पे जाके होगा। तो आपका ग्राफ इन्फिनिटी को टच कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। इन शॉर्ट ये वेरिएशन आपको याद करनी है कि वी वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ इस वेरिएशन का बनता है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स जरूर मैथमेटिकल बता रखे हैं, तो ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने को आएगा कि व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर तो बताओ वी वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ कैसे बनेगा, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ ग्राफ ही प्लॉट करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला ग्राफ क्लियर है, ओपन सर्किट क्लियर है, क्लोज सर्किट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, ये ग्राफ ऑपोजिट बैंड का नहीं बन सकता? ऑपोजिट सर मतलब जो कर्व ऊपर को जा रहा है वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता? तो एक्सपेरिमेंटल बना ही दिया ना हमने, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनता है, मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, बनाया हुआ है। ओके सर, हम ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, हम तो बता रहे हैं कि ग्राफ में ये वैल्यूज बीच में कैसे आ रही हैं, हम ये नहीं वेरिएशन ही सीख रहे। ग्राफ ऐसा बनाया मैं नहीं बता सकता फॉर्मूला देके ऐसा बनेगा कि वैसा बनेगा, हाँ, लेकिन मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूँ कि रास्ते में वैल्यूज बीच में कैसे आ रही हैं, बस दैट्स इट। ठीक, ओके सर। हाँ, वो ई को टच करता है, इसे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ अगर आएगा तो वो कहेगा ग्राफ प्लॉट करो इंटरनल रेजिस्टेंस में वी वर्सेस करंट का। अभी हम क्या ड्रॉ कर रहे थे, वी वर्सेस कैपिटल आर का, अब वी वर्सेस करंट का। वी और करंट के ग्राफ में इक्वेशन लिखो, वी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ई माइनस आई इंटू छोटा आर। तो वी और आई का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो एक काम करो, इस आई माइनस आयर वाली टर्म आगे, ई वाली टर्म पीछे, कोई फर्क नहीं। ग्राफ में वाई एक्सिस में कौन है, वी, एक्स एक्सिस में कौन है, आई। तो वाई इसके नीचे लिखो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सिस में कौन है, वी, एक्स एक्सिस में कौन है, करंट, एक्स एक्सिस में करंट। तो स्लोप किसके इक्वल है, माइनस आर। एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉलो करेगा, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी स्लोप क्या है, माइनस आर, नेगेटिव स्लोप। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद नेगेटिव स्लोप। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो तीसरा ग्राफ भी बन जाएगा वी वर्सेज आई का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, बैटरी की जब इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसे कंपेयर करेंगे विद वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप इसको वाई एक्सिस मानेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये माइनस आर आपकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये तीन ग्राफ्स आपने याद रखने हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, इसको करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक पॉइंट को समझो,
ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है ये एक लाइन का काम, पर इसमें बात इतनी सी है कि देखो वोल्ट मीटर क्या कर रहा है। पहले तो वोल्ट मीटर का पर्पस समझो। पहले वोल्ट मीटर एक मीटर है जो कि क्या मेजर करता है, वोल्ट्स। वोल्ट्स का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे सपोज करो, आपको मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली अगर आप यूज़ करना चाहें तो प्रैक्टिकली बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो हाथ में रखते ही हैं वोल्ट मीटर। तो मान लो एक वायर है जिसमें क्या जा रहा है, करंट, कितना पता नहीं। ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है नहीं पता नहीं, और कोई मुझे कह रहा है कि ये एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। आप मुझे इस ए एंड बी पॉइंट का मेजर करके बताओ क्या पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ना तो मुझे आई पता है, ना मुझे इसकी रेजिस्टेंस आर पता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशन ओम्स लॉ, हाँ मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन अगले यूनिट में करने वाले हैं। तो वोल्ट मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर की दो वायर्स हैं, आजकल तो डिजिटल वोल्ट मीटर आते हैं, तो वैसे तो सुई वाले हम पढ़ेंगे वो नीडल वाले कैसे काम करते हैं, पर आजकल वो डिजिटल आए हुए हैं। तो आप वोल्ट मीटर की दो वायर्स को एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं जहाँ पे करंट दौड़ रहा है। तो वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में लगाएं। पैरेलल में क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो बिना आई और आर के मैंने फिर भी क्या निकाल दिया इस मीटर से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसे निकाला ये एक लंबी कहानी है। एक काम कैसे करता है इसके लिए तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी, वो हम इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ रहे, पर इससे ये पता लगता है। पहला पॉइंट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पहला पॉइंट क्लियर है। वोल्ट मीटर किस में लगता है, हमेशा पैरेलल में लगता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर यहां से आई करंट जा रहा था और यहां से मैंने कनेक्शन बना दिया, तो काफी लोग कहेंगे कि कुछ करंट जो पीछे से आ रहा था कुछ करंट इधर भी जाएगा, तो आपका करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। जबकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जाऊंगा, क्योंकि ये आई करंट जा रहा है, अगर आई में से कुछ करंट ये वोल्ट मीटर ले गया तो मेरा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया ना। इसका मतलब वोल्ट मीटर सही रीडिंग अभी दे नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा जो करंट इसमें जा रहा है कुछ करंट तो वोल्ट मीटर भी ले जाएगा, तो इसका करंट ओवरऑल डिक्रीज हो गया क्योंकि वोल्ट मीटर में भी गया, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट डिक्रीज होके आएगा। तो वोल्ट मीटर यानी कि करेक्ट रीडिंग देने वाला है नहीं, ऐसा लगता है। तो हम जब वर्किंग करते हैं ना वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर की वर्किंग के अंदर जो वोल्ट मीटर बनाते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस लेते हैं ना, वोल्ट मीटर वायर से बना होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई रखते हैं। इवन कई तो बोलते हैं बहुत हाई को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ी। वो इसलिए क्योंकि जो करंट आ रहा है मैं चाहता हूं कि वो करंट इसी में से जाए, तो अगर ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी तो करंट ये रास्ता फॉलो करेगा ही नहीं, या बिल्कुल इतना करंट यूज करेगा नामात्र करंट, तो जिससे कि मेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस एकदम एक्यूरेट आएगा। तो इसीलिए जब क्वेश्चंस गिवन होते हैं वोल्ट मीटर के साथ, तो उसमें क्या लिखा होता है, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। तो कई लोग पूछते हैं ये क्यों लिखा हाई रेजिस्टेंस, लेकिन ना भी लिखता तब भी मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बता दिया कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हमेशा क्या रखा जाता है, हाई ही रखा जाता है, ताकि वो हमारे सर्किट का करंट लेना चाहे। क्लियर है यहाँ तक? इसने लिख दिया तो अच्छी बात, मैंने भी बता दिया। ना लिखता तब भी कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया बाय डिफॉल्ट हाई रखी जाती है। तो क्या ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है? अब वोल्ट मीटर का यहाँ पर काम क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप ना सर्किट्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम कि ये भी वायर है ये भी वायर है, जबकि सर्किट सिर्फ नीचे वाला ही है, सर्किट सिर्फ नीचे वाला ही है, सर्किट सिर्फ ये है बस, करंट यहाँ से यहाँ ही जाएगा जब मैं ऑन करूँगा। यहाँ तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है।
तो फिर वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है कि इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने ज्वाइन कर दिया इसे, ताकि बैटरी का क्या निकाल सकें, पोटेंशियल का डिफरेंस। पॉइंट क्लियर है? मतलब कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये बैटरी है ईएमएफ ई, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। बैटरी की ईएमएफ 2.2 वोल्ट है। मैंने आपसे पूछा कि इसकी ईएमएफ 2.2 वोल्ट है, इसमें से करंट दौड़ रहा है, तो बताओ दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2.2 से कम होगा, 2.2 से कम होगा, एग्री करते हो? अब ये कौन बता रहा है? मैंने किससे पूछा? आपसे पूछा। अब मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, मैं आपसे क्यों पूछूं? मैं मशीन से पूछ लूँगा, मशीन लगाऊंगा, वोल्ट मीटर से पूछ। ये लो, ये मैंने क्या लगाया? वोल्ट मीटर। अच्छा हाँ, 2.2 से कम है, तो आप ही का नाम है वोल्ट मीटर यहाँ पर, ये आप ही हैं। मतलब आपसे पूछ लिया, बताओ ये रीडिंग क्या है 2.2 से कम, या वोल्ट मीटर से पूछ लिया, वो भी क्या बोलेगा? 2.2 से कम। वो मशीन है, रीडिंग बता देगा, आप स्टूडेंट हो, अब बोल के बता दो सर 2.2 से कम। तो मतलब कि वोल्ट मीटर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा कि बताओ दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि ये दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, और मैंने इसके क्रॉस वी लगा दिया वोल्ट मीटर, बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। बात तो एक ही है कि आपसे वैसे पूछ लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्ट मीटर की रीडिंग बता देता हूँ, बात एक ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है वोल्ट मीटर लगाने का क्या मकसद है यहाँ पर? तो वोल्ट मीटर का यहाँ पर कोई काम नहीं है वैसे, वोल्ट मीटर तो बस रीडिंग बता रहा है जो ऑलरेडी मैं पता है कि 2.2 से कम आएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अब हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में वोल्ट मीटर लगे होंगे, तो आप कहीं ये ना कंफ्यूज हो जाएं कि यार वोल्ट मीटर का क्या करूं, कुछ करना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है वोल्ट मीटर को, वो तो एक मशीन है जो आपको आंसर रीडिंग बता रही है, बस ये काम है। आप अपने मन से ही आंसर देना, पर वो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये है, रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। तो वो कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर लिया मैंने, उसको एक सेल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, और मैंने इसको स्विच को की को ऑन नहीं किया, बस एक वोल्ट मीटर को सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। आप कहोगे फिर सेल का करंट वोल्ट मीटर में दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा बताओ? 2.2। जब वोल्ट मीटर के साथ लगाओगे, जब बैटरी के टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर लगाओगे, तो वो कह रहे हैं उसने रीडिंग क्या दी? 2.2। तो ये क्या है इसकी? ईएमएफ। तो बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा ये क्या दे रहा है वोल्ट मीटर, किसकी रीडिंग दे रहा है? इसकी ईएमएफ की। केस नंबर वन क्लियर है? आगे, व्हेन टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू 5 ओम। कह रहे हैं अब मैंने सेल को किससे कनेक्ट कर दिया? 5 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया, ये लो पूरा सर्किट बना दिया। अब सेल में से क्या निकल रहा है? करंट। तो अब वो कह रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। तो मुझे पता ही था 2.2 से क्या नहीं थी कम, तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर अब ईएमएफ मेजर नहीं कर पा रहा, वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले जब करंट नहीं आ रहा था तो वोल्ट मीटर 2.2 रीडिंग देता है, जब इसमें से करंट आया तो वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग दी? 1.8। तो कोई मुझे बताएगा 2.2 क्या गिवन है? कैपिटल ई। 1.8 क्या गिवन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये समझ में आया? ऐसे इस क्वेश्चंस को रीड करना है। देखो इनके इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को रीड करने का स्टाइल भी तो सीखो ना, ये तो है नहीं कि एक सिंपल लैंग्वेज बता दिया और हो गया, तो आपको पढ़ना तो यही लैंग्वेज को पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो वो कह रहे हैं बताओ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बैटरी की, ये बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया नहीं, तो आप प्लीज अपना ही कुछ यूज करो न्यूमेरिकल, और आंसर बताओ 1.1 ओम आ रहा है, स्मॉल आर निकालो। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया, मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मूलाज करवाए हैं कि यहाँ पर वी की वैल्यू क्या यूज करनी है, ई माइनस आई आर, या वी इज इक्वल टू आई, कोई भी यूज कर लो, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी निकाल लो, इनसे कैलकुलेट करो।
कितने का आ गया? ओके आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैंने आपको करवाया V इज इक्वल टू क्या, I इंटू कैपिटल R। V कितना है 1.8, I इंटू कैपिटल R कितना है 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर आप फॉर्मूला यूज़ करें, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल R। V कितना है 1.8, E कितना है 2.2, करंट कितना है 1.8 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू कितना स्मॉल आर। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, स्मॉल आर। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? इस फॉर्मूले से करंट निकाल लें, फिर करंट को इस फॉर्मूले में पुट कर लें, स्मॉल आर आ गया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बुक्स इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करती, हम भी नहीं करेंगे आज के बाद, हम भी नहीं करेंगे। हम एक शॉर्टकट करेंगे जो ये शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के लिए आप अपने बुकलेट पर कहीं पर भी लिख लें, हैंड रिटन पे लिखना प्लीज़, ये स्टेप्स लिख लें प्लीज़। जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक है वहीं लिखना, जहाँ मैंने एक्सप्लेन्ड है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, वहीं कहीं लिखना। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें कि V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, या I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल R, एंड V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू के। देखो एक तो ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, दो रिलेशन हैं। तो यहाँ से I इंटू स्मॉल आर विल बी इक्वल टू E माइनस V, तो यहाँ से स्मॉल आर विल बी इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय I। इस I की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय I की जगह क्या पुट करेंगे, V डिवाइडेड बाय R। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू E माइनस वी बाय वी इंटू कैपिटल आर, या फिर ई बाय वी माइनस वन इंटू कैप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्योंकि आज के बाद जितनी भी बुक्स हैं जिसमें ई और वी गिवन होती हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है, उसमें यही फॉर्मूला यूज़ करती है। हम भी आज के बाद ये यूज़ करेंगे। हम क्यों करेंगे इतना लंबा स्टेप, हम एक ही स्टेप यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्लीज़ नोट करें इसे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। तो आज के बाद ना इतनी लंबी कहानी कोई नहीं करेंगे, एक सेकंड में आंसर। कैसे? अगर आपको E गिवन है 2.2, V गिवन है 1.8, कैपिटल R गिवन है 5, आंसर खत्म हो गया। तो ये रिलेशन कौन यूज करेगा? कोई नहीं यूज करेगा, सीधा एक स्टेप में आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये शॉर्टकट की तरह काम करेगा और ये अच्छा रिजल्ट है। ठीक, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन। कैसे?
क्वेश्चन इज कि बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है, कनेक्टेड विद एम मीटर। आपको एम मीटर क्या कर रहा है? एम मीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। एम मीटर करंट मेजर करता है, तो एम मीटर करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स मेजर करता है, स्मॉल करंट्स, वेरी स्मॉल करंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ करंट। एम मीटर बड़े करंट्स मेजर कर सकता है, जैसे गैल्वेनोमीटर मेजर करता है 1 मिली एम्पियर करंट, मिली एम्पियर्स में करता है। लेकिन अगर ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में डाल दें तो वो हीटिंग अफेक्ट से सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर मेजर करने के लिए? एम मीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, एम मीटर कैसे बनता है, दोनों करंट्स मेजर करते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर की कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में यही हम डिस्कस करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एम मीटर बनाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन को एम मीटर बोलते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर लगा देगा, कभी एम मीटर लगा देगा करंट मेजर करने के लिए। तो जब करंट मेजर करना होता है तो एम मीटर या गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा करंट एम मीटर या गैल्वेनोमीटर में पास हो, तभी तो मेजर करोगे जब करंट पास करवाओगे। तो वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। एम मीटर किस में लगता है? सर्किट के सीरीज में। तो ये करंट मेजर कर लेगा इसमें, तो ये वोल्ट मीटर ताकि हम चेक कर सकें जब ये करंट बाहर निकालेगा तो इन टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ऑब्वियसली 12 वोल्ट से तो कम ही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, शो दैट वोल्ट मीटर जब सेल के अक्रॉस रखा जाएगा वो सेम रीडिंग देगा किसके साथ, जो 4 ओम का रेजिस्टर वोल्टेज देगा। मतलब कि वोल्ट मीटर की रीडिंग इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से आएगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब है इन दो सेल्स दो टर्मिनल्स का वी निकालना और इसका वी निकालना, बात एक ही है। वैसे तो हमें पता है कि बात एक ही है, कह रहे प्रूव कर दो, कर दो प्रूफ। पहले सर्किट का करंट बोलो क्या होगा। करंट होगा टोटल ईएमएफ 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करके क्या आएगा? 2 एम्पियर। तो ये बताओ कि इस बैटरी की ईएमएफ कितनी है? 12। तो बैटरी का वी क्या होगा? ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो 12 इंटू करंट हमने निकाल लिया, स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आया? 8 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर यानी कि क्या मेजर करेगा? 12 नहीं करेगा, कितना मेजर करेगा? 8 करेगा। क्लियर है यहां तक? तो इस 4 ओम में कितनी वोल्टेज होगी? 4 इंटू करंट, ये भी आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा, ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर है यहां तक? ऑलरेडी हम थ्योरी में कर चुके हैं बात प्रूफ। ठीक, तो बाद में करेंगे। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। जब यस सर, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हुआ था तो मैंने बोला था कि आप +1 मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब आज से लेके 30 जून तक जिसने पैरेलल में +1 करनी है, ये राइट टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेंज मिड लेवल पे चलता है, इसका लेवल बहुत ऊपर नहीं जाता, बहुत नीचे भी नहीं। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल चैप्टर है, जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन हैं वो भी नॉर्मल आते हैं। तो इसके ऊपर जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े नेटवर्क्स करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। किताबों के अंदर गिवन है, बहुत बड़ा जाल बिछाने वाला क्वेश्चन लेके भी मत आना और करना भी मत। तो मैं आपको पेपर दे दूंगा जो करंट ईयर पेपर्स हैं, आप खुद देख लेना। क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे आता है, किरचॉफ लॉ पे आता है, ये चार्ट या हीटिंग इफेक्ट पे आता है। ये 5 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आना है सिर्फ। तो आप बड़े बड़े नेटवर्क सॉल्व करके बहुत ज़्यादा टाइम को, आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा यार ख़राब करना, शौक है जिसको करे जो मर्जी करे, लेकिन एक बार पुराने पेपर ज़रूर देख ले, पहले पेपर देख ले क्या आता है। अगर उसमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स आ रहे हैं तो ज़रूर करें। तो अगर बहुत शौक है नेटवर्क्स करने का, सीरीज पैरल हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव शीट्स में बहुत करेंगे।
तो लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए अलग लेक्चर है। जैसे मैंने कैपेसिटर्स का ऑन किया था, वो कल वीडियोस मैंने वो चल पड़े थे, ऐसे रजिस्टर के साथ भी मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बड़े नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको दे दूंगा, जिसे करने वैसे कर ले। लेकिन प्लीज़ थोड़ा फोकस स्टडी करना, ऐसा ना हो कि आप अपनी भावनाओं में बह जाएं कि ठीक है यार मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, और टाइम आपका ख़राब हो जाए। इंस्टेड कि आप इन बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस करें, उसकी जगह इन 15 दिनों में पैरेलल, ये तो करें ही करें, देखो इसको रोकना नहीं है, इसकी जगह आप प्लस वन का कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एस एच एम एंड वेव्स से करें, आप मोशन से, काइनेमेटिक्स से, लॉज ऑफ मोशन से, वर्क से मत करें, मत करें, कितनी भी मैकेनिक्स पसंद हो मत करें, रोटेशनल मत करें, अभी आप कहाँ से करें, एस एच एम वेव करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस बंदे ने वेव्स में इन्वेस्टमेंट की टाइम की, उसको वेव ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी उसको धोखा नहीं मिला। उस बंदे ने अगर वेव्स की तैयारी की, उसका क्वेश्चन जरूर ठीक होके आया। जिसने एस एच एम पे टाइम डिवोट किया, उसका एस एच एम ने उसको पूरा रिवॉर्ड दिया। थर्मो वाले भी खूब रिवॉर्ड लेके आते हैं। जो रोटेशनल वर्क पार और ये चीज़ें हैं, ये ना बहुत वास्ट हैं, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। रोटेशनल में क्वेश्चन एक आना है, रोटेशनल बहुत बड़ा है, उसके बराबर एस एच एम वेव्स है। ये नहीं कह रहा रोटेशनल छोड़े, अभी एस एच एम वेव्स करें, थर्मोडायनेमिक्स करें, प्रॉपर्टीज़ में इलास्टिसिटी के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में सरफेस टेंशन के ऊपर, और इनके ऊपर क्वेश्चन एक आना ही है। एक ही जगह थर्मोडायनेमिक्स एंड ट्रांसफर ऑफ हीट में से तो तीन तीन क्वेश्चन आने हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप इन 15 दिनों में सिर्फ एस एच एम वेव को रिवाइज कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ करें, मतलब टीसी पांडे उठा लें, वो इतना मत करें, कोई बात नहीं, आप मॉडरेट करें, आपने ये काम करना है एंड में कर लें। आप बस इतना करें कि आपको ये फील आए कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया, एक बेसिक लेवल मुझे आ गया। ठीक, देखो एक्सपर्ट तो हो नहीं पाएंगे एक 15 दिन में, पर हाँ एक थ्योरी अगर आप सुन भी लेंगे, और जैसे मेरी शीट्स भी कर लेंगे इसके साथ, चाहें तो पुराने पेपर कर सकते हैं, लेटेस्ट पेपर कर सकते हैं, एस एच एम वेव के 2020-21 के कर सकते हैं, करने तो है ही, तो इतना इतना स्कोप रखें जो कवर हो सके। इतना मत फैला दें कि मैं तो डीसी पांडे का टारगेट बना लिया मैंने, बस अब तो मैंने करना है, और पता लगा यार 1 महीने में वेव भी खत्म नहीं हुआ, और क्वेश्चन वेव में आना है एक, आप खाम का 1 महीना प्लस वन में लगा बैठे, प्लस वन में, और उसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा फोकस, तो आप थोड़ा सा पहले ब्रेथ वाइज काम करें, आप डेप्थ बहुत ज़्यादा मत जाएं। डेप्थ में अपने आप दिसंबर जनवरी में चले जाएंगे, जब आपको पूरा एक बेसिक लेवल आता होगा। ये पर्पस सिर्फ उनके लिए है कि जैसे मान लो आप भूल गए हैं, आप भूल ही जाए, थर्मोडायनेमिक्स किसको याद है, केटीजी किसे याद है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का न्यूमेरिकल आता है, कुछ नहीं आता अभी, सब भूल गए। तो आप एस एच एम वेव थर्मो भी अगर आप रिवाइज कर देते हैं ना इन 15 डेज में, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट बोल रहा हूँ, एस एच एम या वेव भी कर देते हैं, एक चैप्टर भी कर दे तो भी ओके है। याद रखना मेरी बात, भूलना नहीं, नवंबर तक, नवंबर 30 तक अगर आपने प्लस वन साथ साथ थोड़ी 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 रिवाइज नहीं की, तो दिसंबर के अंदर चाहते हुए भी आप प्लस वन नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है, 100% है, टेस्टेड है, 101% है, क्योंकि दिसंबर के अंदर स्कूल वाले 15 डेज आपका पेपर लेंगे फुल सिलेबस का, 15 दिन आपके सिर्फ पेपर्स में जाएंगे, और फिर 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक 1 महीना बचता है सिर्फ आपके पास। तो उन 1 महीने में आप रिवीजन तो कर सकते हैं, आपने प्लस वन कर रखी है, आप पेपर्स लेटेस्ट पेपर कर सकते हैं, इस साल का पेपर कर सकते हैं, जो भी आने वाला है वो भी कर सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि सर मुझे तो प्लस वन आती नहीं है, अब 30 दिन में बोलो कैसे करोगे, मैं तो 30 दिन में प्लस वन नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता। तो मैं पहली बता दूं उन लोगों के लिए जिनका टारगेट है कि मुझे तो सीट निकालनी ही है, तो बहुत प्रेशर में काम ना करें, मतलब इतना वो ना हो जाए कि मतलब प्लस वन कर देनी है, ऐसा ना करें, प्लस टू पहली प्रायोरिटी पे रखें। साथ साथ हफ्ते में एक दो लेक्चर सुन लिए, कभी एस एच एम का थोड़ा थोड़ा करके भी अगले 4-5 महीने में कम से कम वॉल्यूम 2 तो कर ही दें, ज़्यादा नहीं कर सकते। देखो मैं मानता हूँ टारगेट बहुत बड़ा है, पर एस एच एम वेव थर्मो प्रॉपर्टीज और ग्रेविटेशन रोटेशनल, रोटेशनल भी छोड़ देंगे या कर भी लेंगे जिस नवंबर तक, बड़ी बात नहीं है, रोटेशनल से लेके वेव तक अगर आपने ये भी अगर आपने रिवाइज कर दिया ना, मैं 100% कह रहा हूँ आपकी सीट पक्की है फिजिक्स के, मेरे फिजिक्स में तो निकाल ही दूंगा,
लेकिन अगर आपका वो सेक्शन रह गया, क्योंकि प्लस टू तो सबकी हो जाएगी, प्लस टू तो एनसीईआरटी बोर्ड्स के चक्कर में भी बहुत बार रेपिटिशन होगी। प्लस टू दिसंबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म होगी मेरे यहाँ, फिर प्लस टू की रिवीजन भी होगी मेरे यहाँ, मैं दो बार प्लस टू करवाऊंगा, तीसरी बार प्लस टू की टेस्ट सीरीज चलती है, तो तीन बार प्लस टू करने के बाद हम प्लस टू का पेपर देंगे। तो प्लस टू का कोर्स हो ना, वैसे टिप्स पे हो जाता है, बार 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 स्कूल वाले पेपर लेंगे, प्री बोर्ड लेंगे, तो ये सब चीज़ें टिप्स पे हो जाएंगी, जैसे 10th क्लास में हो जाती थी। प्लस टू का इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी प्लस वन भूल जाती है। अब जो मेन कॉम्पिटिशन है वो प्लस वन से क्लियर होगा, तो मैं आपको पहले ये चीज़ मतलब आज बता रहा हूँ, कहीं आप कहोगे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं यार कि अच्छा ये भी करना होता था, अगर मुझे बता देते मैं तो कर ही लेता, तो मैंने आपको बता दिया आज। और आपके पास नवंबर तक का टाइम है, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जब आपको टाइम मिले तब करना चाहें, लेकिन प्लीज़ एक टेबल बना लें, एक चार्ट बना लें कि ये मेरे चैप्टर्स हैं, मुझे ये तो कम से कम करने ही हैं। काइनेमेटिक्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर्स में कुछ नहीं है, वो तो मैं क्लास लूँगा एक घंटे में वैसे ठीक हो जाएगा, इनमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोशन का क्वेश्चन ऐसा है, होना है तो हो ही जाना है, नहीं होना तो कर लो जो तैयारी करनी है, उसने नहीं होना आपके सामने ही है। मोशन तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैलकुलस में चला जाता है, और क्योंकि तब तक कैलकुलस भी हो जाएगा, तो मोशन में बहुत टाइम इन्वेस्ट ना करें, लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन तो फटाफट एक लेक्चर में रिवाइज की तो भी ठीक हो जाती है, लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम नहीं होती, मेन प्रॉब्लम जो होती है वो सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स, यहाँ से शुरू होती हैं। और बेस्ट तरीका बता दिया, उल्टी फिजिक्स करेंगे तो आपको पे करेगी ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रैटेजी आप बनाएं, आप कैसे इसको करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ करते रहेंगे ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। लेकिन पहले क्या करनी है, प्लस टू। ऐसा ना हो कि मैंने कहा प्लस वन, प्लस टू में तो नियम कर रहे हैं क्योंकि हम प्लस वन कर रहे हैं, प्लस वन हमारी तो नहीं हो रही क्योंकि हमारी प्लस टू चल रही है, तो हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, ये मत करें। पहले प्लस टू में कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि जब आप ठीक तरह तैयारी करेंगे आपको प्लस टू अपने आप ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि थर्ड यूनिट मैग्नेटिज्म का है, वो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी ईजी है, थर्ड लेवल नीचे है वो, तो सेकेंड वॉल्यूम ऑफ फिजिक्स भी ईजी है, तो मतलब इतनी परेशानी नहीं आएगी, आप पैरल चला सकते हैं। मेरे को याद है लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे बोला था, बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं मेरे, उन्होंने नवंबर दिसंबर तक अपनी प्लस वन रिवाइज कर दी थी, और वो जनवरी का टारगेट लेके अपने टेस्टिंग पे आ गए थे। ऐसे बच्चे भी हैं, जनवरी में पीसीएम का टेस्ट देना शुरू कर दिया था उन्होंने कि बस अब टेस्टिंग पे लगा दो, ऐसा है। तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 20 टेस्ट हैं, या 20 से भी क्या 24 ही होंगे पीसीएम के टेस्ट पड़े हुए हैं मेरे पास। 24 टेस्ट देने के लिए आपको 24 दिन चाहिए, तीन तीन घंटे के, और बाकी टीचर भी लेंगे आपके पीसीएम के टेस्ट, तो एक महीना सिर्फ टेस्टिंग देनी होती है, एक महीना सिर्फ वो पूरे सिलेबस का टेस्ट बार 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 देना होता है। वो एक महीना कहाँ से लाओगे जब सिलेबस टाइम पे ख़त्म करोगे? सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं होगा तो तैयारी का करोगे? टेस्ट जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर वहाँ फाइनल शॉट एकदम थोड़ा दोगे बिना रिहर्सल के। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये आप स्ट्रैटेजी बनाओ कैसे, लेकिन पहली प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये हमने शीट को किया नेक्स्ट। देखो शीट नंबर 44, एग्जाम्पल्स ऑन रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। पहला क्वेश्चन है कि आपको ये कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है और ये बैटरी गिवन है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन। आपको क्या निकालना है? आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, V निकालना है। तो अगर मैं आपको R1 का करंट बता दूं, तो करंट इंटू 18 करके आप क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आप मुझे ये बताओ कि अगर जो भी यहाँ से करंट आएगा, जो डिवाइड होके आएगा, तो जो करंट इसमें आएगा वो करंट इसमें भी जाएगा, और अगर इनमें करंट सेम रहेगा तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और वैसे भी कैपेसिटर्स किया हुआ आपको दिख ही रहा है कि ये दो कैपेसिटर्स किस में? इन सीरीज। तो बताओ 5 और 10 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा? 15। जो 15 आएगा वो इस 10 के साथ किस में हो जाएगा? इन पैरेलल। तो सपोज आंसर क्या आएगा? 6। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा? करंट विल बी इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कितनी है? 18 और 6 24,
ये दोनों सीरीज में, इंटरनल कितनी है ही नहीं, तो छोड़ दो। तो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड किया क्या आ गया, करंट आ गया। कोई डाउट इसमें? करंट आ गया, वो करंट 18 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 18 इंटू 2.5। हमने ये निकालना है 18 ओम में V की वैल्यू कितनी है, तो V इज इक्वल टू IR करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। सपोज इस क्वेश्चन में टू स्क्वायर प्लेट्स गिवन है आपको, स्क्वायर प्लेट्स गिवन है, एक की लेंथ L है, एक की लेंथ 2L है, और सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट की वैल्यू विल रिमेन सेम, राइट। तो ये गिवन है, और मटेरियल सब कुछ सेम गिवन है, और दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेशियो निकालनी है दोनों के रेजिस्टेंस की। तो पहले इस पॉइंट को समझो, ये डायग्राम है कैसा, ये डायग्राम ऐसा है, ये मैंने एक निकाल ली शीट, ये स्क्वायर शीट निकाल ली, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें एंटर कर रहा है ऐसे, आपको ये फेस दिख रहा है, करंट यहाँ एंटर कर रहा है पूरे इस फेस में, इस एरिया में। फिर ऐसी एक और शीट है, इसकी लेंथ मान लो एल बाई एल है, एल बाई एल है, और थिकनेस, इसकी थिकनेस मान लो डी है, थिकनेस क्या मानेंगे, ये वाली, ये इसकी विड्थ डी है, विड्थ डी है, तो लेंथ एल है, विड्थ डी है, तो करंट कितने एरिया में एंटर कर रहा है, एल इंटू डी, राइट। और जो स्क्वायर प्लेट 2L लेंथ की है उसका एरिया क्या बनेगा, 2L इंटू डी, डी तो सेम ही है, तो एक एरिया क्या बनाएगा, एल इंटू डी, और दूसरे का एरिया क्या बनेगा, 2L इंटू डी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो पहले की जो रेजिस्टेंस है, रो लेंथ L है और एरिया L इंटू डी, दूसरे की रेजिस्टेंस रो लेंथ कितनी है, 2L है, एरिया कितना है, 2L इंटू डी। तो रेशियो दोनों की एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। तो रेजिस्टेंस की रेशियो पूछ रहे, तो रेजिस्टेंस की रेशियो विल बी सेम, 1:1। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे सोचना है इसे? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये 6 12 12 6 गिवन है, मेरे को ऐसा लगा ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, लगा 6 बाय 12 बार, ओह नहीं बना, बैलेंस नहीं हो पाया, छोड़ दो। वो कह रहे हैं कि मान लो ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन है पहले, तो आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, फिर मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो जब मैंने इसको दबाया ही नहीं, तो इस स्विच को हटा ही देते हैं यार, कोई फ़ायदा तो है नहीं इसमें, कुछ करंट तो जाएगा नहीं, तो ये दो ऊपर की रेजिस्टेंसेस किस में हो जाएंगी, इन सीरीज, और नीचे की रेजिस्टेंस भी किस में हो जाएंगी, इन सीरीज। तो कितना आएगा, 6 और 12 सीरीज में 18, 12 और 6 किस में, 18, 18 18 किस में, पैरेलल में, आंसर आएगा 9। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन जब मैंने इसे दबा दिया, अब बीच वाले स्विच की रेजिस्टेंस तो है नहीं, अब रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वी नॉट है, तो ये वी नॉट हो गया। जब ये वी नॉट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वी ए माइनस वी नॉट, इसका कितना हुआ, वी ए माइनस वी नॉट, तो ये किस में हो गए, इन पैरेलल। इधर से वी बी माइनस वी नॉट, वी बी माइनस वी नॉट, तो ये भी किसमें हो गए, इन पैरेलल। तो 6 और 12 पैरेलल में, आंसर क्या आया यहां से, 4। 12 और 6 पैरेलल में, आंसर आया 4। 4 4 सीरीज में, आंसर आया 8। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ, बैलेंस ही नहीं है, रेशियो बराबर ही नहीं है। देखो इसमें, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है और साथ में एक कैपेसिटर गिवन है। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आर के साथ
सी लगा हुआ है। पर ये ना सोचे इस क्वेश्चन का, अब हम दुनिया के सारे आर और सी सॉल्व कर देंगे, नहीं, आप बस यही कर पाएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और क्वेश्चन कैसे करने पड़ेंगे उसके लिए पूरा लेक्चर रखा हुआ है आर और सी सर्किट्स को लेके। अभी इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझें, ये एक बैटरी है, बैटरी के आगे कोई स्विच नहीं लगा हुआ, बैटरी ऑन है और काफ़ी देर से ऑन है। तो जब मैंने बैटरी को ऑन किया था, अभी मान लो स्लो मोशन में मैंने बैटरी को ऑन किया, बैटरी में से चार्ज इलेक्ट्रॉन वायर्स में जा रहा है, अभी कैपेसिटर के अंदर भी जाएगा, कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, चार्जिंग हो रही है, हर वायर में करंट ही करंट है बहुत स्लो मोशन में। उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर की वायर में करंट अब नहीं जाता, ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, क्या स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट। हम जितने भी न्यूमेरिकल कैपेसिटर में करके आए वो किस में करके आए थे, स्टेडी स्टेट में। आप कहेंगे फिर ये जो इनिशियल वाला सिचुएशन है स्लो मोशन वाला वो कब करेंगे, वो 15 डेज के बाद करेंगे जब रेजिस्टेंसेस पूरी तरह आ जाएंगी, फिर वहाँ लगा होगा या स्विच लगा के। उन क्वेश्चन में क्या होता है, स्विच लगा होता है बैटरी के, वो बोलता है आप स्विच ऑन करें, आपको समझ जाना चाहिए स्विच ऑन करने का मतलब अब धीरे धीरे करंट इसमें जाएगा, यानी कि कैपेसिटर में भी करंट जाएगा कुछ देर के लिए, पर अभी तो स्विच ऑलरेडी ऑन करके छोड़ दिया उसने, तो एक स्टेडी स्टेट है। तो एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, ये जो बैटरी है ये कौन सी बैटरी है, एसी की डीसी, एसी की डीसी, कितने लोग बोलते हैं एसी, कितने लोग बोलते हैं डीसी, अच्छा कितने लोग बोलते हैं एसी, कितने बोलते हैं डीसी, हाँ ठीक है एसी बैटरी होती है, मुझे भी लाके देना, एसी बैटरी कोई नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट तो डैम से जो हमारा बन के आ रहा है बिजली उसको ऑल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हैं, ये बैटरी से नहीं बनता, बैटरी से इन्वर्टर से क्या बनता है, डीसी ही बनता है। तो बैटरी डीसी करंट देती है, कॉन्स्टेंट करंट देती है, हाँ शुरू में स्विच ऑन करते थोड़ा इंक्रीज होता है, बाद में कॉन्स्टेंट ही रहता है, स्टेडी स्टेट में डीसी करंट कॉन्स्टेंट होता है। तो एक स्टेटमेंट सुनो, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आने के बाद अपने अंदर करंट को पास नहीं होने देता, कैपेसिटर डीसी करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, कब, स्टेडी स्टेट में। हाँ जब वो स्टेडी स्टेट की पहली सिचुएशन है फिर थोड़ा सा होने देता है, पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, कैपेसिटर जहां लग गया डीसी करंट उसमें से पास नहीं होगा, एसी होता है, एसी होता है, पर एसी कैसे होता है वो सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो आपका चौथा यूनिट है एसी, पूरा यूनिट है 15-20 डेज का एसी पढ़ाएंगे, उसमें कैपेसिटर के अंदर करंट पास करके दिखाएंगे, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो इसमें लेकिन जब बैटरी ऑन हुई थी कैपेसिटर चार्ज हुआ था, वो ये ना कहे ये करंट पास नहीं हो रहा, तो कैपेसिटर चार्ज भी नहीं हुआ, हो चुका, होने के बाद करंट को पास नहीं होने दे रहा। तो अब जो बैटरी से करंट इसमें आएगा, अब जो बैटरी से इसमें से करंट आएगा वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी और इसमें भी जाएगा, लेकिन वो इसमें नहीं जाएगा, बस एक ब्रांच में नहीं जाएगा, बाकी सभी रास्ते में जाएगा, क्योंकि बाकी रास्ते में थोड़ा ना कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक है। लेकिन हाँ कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो मेरे को निकालना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर सी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, कैपेसिटर एफ पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो अगर आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो किसका, सी और एफ का, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस होगा। अब कोई कहता है ये कैसे, बीच में यार रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये कैसे हो सकता है, लगी हो उसके अंदर करंट तो नहीं है ना, अगर करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ कहां रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए सी और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा कैपेसिटर की प्लेट्स का वही पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कैपेसिटर का तो कोई काम है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, सी और एफ का निकालना है। इस ब्रांच में, हाँ इस ब्रांच में जीरो ले रहे हैं, बाकियों में ले रहे हैं, तो आर
हमें वी से मतलब है ना, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं ना, करंट तो होगा नहीं, आए तो आए जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, आर जीरो नहीं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होगा। जैसे सपोज करो मैंने सी और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दिया था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिलना था? ये दोनों किस में थे? सीरीज में। कुछ इसको मिलना था, कुछ इसको मिलना था। इसने मना कर दिया। क्यों मना किया? कहता मेरे अंदर करंट ही नहीं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। वो कहता मैं तो लूंगा जी, मैं तो चार्ज लूं तो 10 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ऐसे है, बांटा तो दोनों का था पर ओम लॉ से आई तो था ही नहीं, तो आर ने मना कर दिया, मेरा कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो तू कैपेसिटर तू सारा ले ले, तो कैपेसिटर ले गया 10। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कैपेसिटर का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज होना ही नहीं है। तो रूल नंबर वन, कैपेसिटर की ब्रांच को उड़ा दो। वो तो दिखाने के लिए था, करने के लिए थोड़ा था। ये देखो ब्रांच यहां से हमने उड़ा दी, तो ये बन गया डायग्राम। इस डायग्राम में मान लो इसमें से आई करंट आया, राइट? या चलो उससे भी पहले, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल, दो आएगा और तीन के साथ सीरीज। तो टोटल करंट ये बैटरी बाहर कितना निकालेगी? इसकी ईएमएफ कितनी है? 15। इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 5। तो कितना करंट आएगा बैटरी में से? 3। क्लियर है? बैटरी 3 एम्पियर करंट बाहर निकाल रही है। अब जो 3 एम्पियर करंट है वो आया, कुछ इसमें चला गया और कुछ इसमें चला गया, जंक्शन है ना, डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें चला गया I1, तो इसमें कितना गया? I-I1। और ठीक है, यहां से आया I1, यहां से कितना आया? I-I1। दोनों को ऐड करो जंक्शन पे, ऐड करके वापस कितना आया? आई, बिल्कुल सही है, आई करंट आया था, आई करंट वापस आ गया। कोई डाउट इसमें? तो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 एम्पियर करंट है, इसमें गया I1, इसमें गया I2, इट्स ओके, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 एम्पियर करंट डिवाइड हो गया इन दो ब्रांचेस में, क्लियर है? आप बस मुझे ये बताओ कि इनमें ये पैरेलल है, तो वी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। तो इसमें वी क्या होगा? 6 × I1। इसमें वी क्या होगा? 3 × I-I1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? I1 upon I-I1। तो यानी कि ऊपर की जो ब्रांच है उसमें करंट है I1, नीचे में ये रहा, और दोनों की करंट की रेशियो कितनी है? 1:2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? टोटल करंट कितना है? 3 एम्पियर। तो अगर ये 3 एम्पियर करंट 1:2 में डिवाइड हो रहा है, तो बताओ I1 का हिस्सा क्या होगा? I1 का हिस्सा होगा इसमें 1 / 1 + 2 × 3। तो देखो ये कर लिया मैंने, तो करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो अगर 3 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर है, तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है? ये ऑटोमेटिकली कितना है? 2 एम्पियर, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए? 3। तो आपको ब्रांचेस में करंट पता लग गया, तो आपको ये पता लग गया कि इसमें 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर और इसमें 3 एम्पियर करंट है। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? करंट्स आ गए। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, किसका? सी और एफ का। सी और एफ में ओम लॉ लगाओ, इसमें कितना करंट आ रहा है? I1, और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I1 × 3। फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I × 3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सी और एफ का क्या होगा? I1 × 3 + I × 3। ये देखो यही किया हुआ है, ये देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस I1 × 3 I × 3। I1 1 एम्पियर है, I 3 एम्पियर है, 12 वोल्ट इज द आंसर। सी और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस ओम लॉ से निकाल दिया, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका आएगा? कैपेसिटर का जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एक नए टाइप की प्रॉब्लम है। तो रूल नंबर वन, जब भी स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर रेजिस्टर के साथ कहीं लगा होगा, आप बस ये समझ लें कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। आप उसको हटा ही दें उस वायर को। वो कैपेसिटर किन दो पॉइंट्स में कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप उस वायर को हटा दें और ओम लॉ लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी जैसे जैसे और शीट्स में आएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा, क्योंकि तो पहले टाइप का प्रॉब्लम है, ऐसे 2-3 ही आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आते, 2-3 से ऊपर आएंगे नहीं। नॉर्मल स्टेडी स्टेट पे मतलब ओनली रेजिस्टर ही आती है, कैपेसिटर के साथ कॉम्बिनेशन कम आता है। पर इक्का दुक्का आ भी गया तो वो पता होगा कि कैपेसिटर में करंट हमने नहीं भेजना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो।
सर वो लास्ट वाला स्टेप बता दो एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकाला, ये देखो मेरे को सी और एफ का निकालना है ना, तो यस इसमें इसमें करंट कितना आ रहा था, आई वन, इसमें आई, तो ओम लॉ लगा दिया, आई वन इंटू थ्री आई इंटू थ्री ऐड कर दिया ऐसे, ओके सर। ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको कैपेसिटर में भी कराया था, याद करो, चार कैपेसिटर से कैपेसिटर के बीच में दो पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ए और बी के बीच में, कितने लोगों को याद आ गया, नहीं आया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट करने से पहले, फिर पूछता हूँ, क्या ए जंक्शन है, ये पूछा था ना उस दिन भी, क्या ए जंक्शन है, नहीं, क्योंकि ए की वायर जा रही है, क्या बी जंक्शन है, याद आ रहा है, किया था, ठीक, सी भी पूछा, हाँ, क्या सी जंक्शन है, हाँ ये पूछा था, राइट, ठीक है। तो ए और बी के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैपेसिटर से कम आसान है, इसमें क्या करते हैं, ये बैटरी है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज, और ये भी सीरीज, तो फोर और फोर सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, टू, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, और बैटरी कितनी है, 10 वोल्ट, तो बैटरी में से टोटल करंट क्या आएगा, 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर 5 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, फोर, नीचे कितनी है, फोर, करंट डिवाइड होना है पैरेलल में, ऊपर भी फोर नीचे भी फोर, तो करंट जो आएगा यहां से 5 एम्पियर, आधा ऊपर आधा नीचे, तो 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब रूल देखना क्या लगा रहे हैं इसमें, अगर मैं मान लो सी से लेके ए पर, ए तक जाता हूं, तो करंट ऐसे जा रहा है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यानी कि सी इज द हायर पोटेंशियल, ए इज द लोअर पोटेंशियल, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट जहां जाता है हायर से लोअर जाता है, तो इसका मतलब सी का पोटेंशियल बड़ा होगा, ए का छोटा होगा, और क्या होगा, ओम्स लॉ से बोलो, 1 × 2.5 ओम्स लॉ, क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से सी से बी की तरफ चलते हैं, तो वी सी माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 1/3 × कितना, 3 × 2.5, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है। अपने को निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी, वी सी फालतू में फंसा हुआ है, माइनस इक्वेशन कर दो, तो आप इसे माइनस करो, ऐड करो इसे, वी सी से वी सी क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसल करके क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ये देखो, तो यही किया हुआ, इधर चेक करो, ये मैंने निकाला वी सी माइनस वी ए, ये मैंने निकाला वी सी माइनस वी बी, कर दिया वी सी माइनस वी ए को लिखा, इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, उल्टा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये -7.5, और मैंने इन्हें कैंसिल किया, तो मेरे पास क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए, पर मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, तो फिर उल्टा करके यहाँ पर क्या आएगा, 5 वोल्ट आएगा, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस सर, ठीक है। सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर, मान लो सेम क्वेश्चन है, मान लो सेम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो ऊपर की रेजिस्टेंस होती 4 ओम, मान लो नीचे रेजिस्टेंस होती 2 ओम, और मेरा करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, तो वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं करंट को, राइट, तो मान लो इसमें करंट कितना गया, आई वन, इसमें कितना गया, आई टू, वी की वैल्यू इनकी क्या रहेगी, सेम, तो वी की वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या, आई वन इज टू आई टू की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 2:4। तो शॉर्टकट सुनो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है, तो जो करंट की रेशियो होती है आई वन इज टू आई टू, वो रेजिस्टेंस की रेशियो के उल्टी होती है, तो आई वन इज टू आई टू इज इक्वल टू वॉट, 2:1,
और टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर। तो आई वन का हिस्सा क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 5। ऐसे आई टू क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 5। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा। अगर तो पहले सीरीज में लगाते हैं उसे, ठीक। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पी क्यू आर एस 5 रेजिस्टेंसेज हैं, बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, बैटरी है। हम ये देखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया, उसका रिजल्ट याद किया, पर हमने अभी तक इसका प्रूफ नहीं किया। तो इसका प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम कि अगर ये पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल हो जाए तो इस, और तो इस इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा सकते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक